हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में। दोस्तों, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और इसमें जो आज वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है और इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो ये नोटिस का लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी, टेक्निकल, जनरल, असिस्टेंट इंजीनियरिंग, सिविल असिस्टेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, तो अकाउंटेंट के भी यहाँ पे पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट। दोस्तों, ये जो वैकेंसीज हैं इनकी जो एज लिमिट है वो भी यहाँ पे गिवन है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो यहाँ पे हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे जो स्केल पे है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे और डिटेल्स जो लिखी हुई हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट नोट फॉर EWS, यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको जो 10% रिजर्वेशन है उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे गिवन है कि क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन कैंडिडेट के लिए, तो वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जनरल नोट की अगर बात करें तो मिनिमम एज टू अप्लाई फॉर ऑल पोस्ट इज 18 ईयर्स, यानी 18 साल की जो मिनिमम एज है वो यहाँ इसमें फॉलो होगी अप्लाई करने के लिए। फॉर द पोस्ट कोड 1 एंड 2, सेलेक्टेड मैनेजमेंट ट्रेनी विल रिक्वायर टू अंडरगो ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर ऑन अ कंसल्टेशन पे। मतलब दोस्तों, जो पोस्ट कोड 1 और 2 है मैनेजमेंट ट्रेनी की, तो उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी मिनिमम ऑफ बेसिक प्लस DA अप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, DNS अलाउंस वगैरह होता है उसको वहाँ पे दिया जाएगा ज्वाइनिंग के बाद। कैंडिडेट विल बी एब्जॉर्ब इन रेगुलर पे स्केल इन E2 ग्रेड इन सीनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड दे विल बी एंटाइटल्ड टू द अदर अलाउंस पर एज पर द पॉलिसीज ऑफ द कॉर्पोरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी जैसे जैसे ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग खत्म होगी तो उसके बाद उनका प्रमोशन किया जाएगा और उसी बेसिस पर जो सैलरीज वगैरह होगी ग्रेड पे वो उनका इंक्रीज किया जाएगा। फॉर द पोस्ट कोड 3, 4, 5, 6 till 9 इन एडिशन टू बेसिक पे एंड DA अदर अलाउंस पर एज पर द पॉलिसीज ऑफ द कॉर्पोरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी जो भी अलाउंस होंगे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको दिए जाएंगे। एम्प्लॉइज ऑफ द कॉर्पोरेशन इन रेगुलर पे स्केल एंड ऑल्सो एंटाइटल फॉर अदर अलाउंस पर सच एज CPF, कंट्रीब्यूशन, पेंशन, ग्रेचुटी, LTC, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे और परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव एज पर एडमिसिबल रिइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसिस फॉर OPD ट्रीटमेंट। दोस्तों, जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं और जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो पर्क्स मिलते हैं एम्प्लॉइज़ को वो भी इसमें अवेलेबल हैं, तो वो भी आपको इसमें दिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों PWD कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसीज हैं वो अलग से इसमें गिवन है, जैसे कि सीनियर असिस्टेंट मैनेजर हो गया जिसके अंदर जनरल मैनेजर और ट्रेनी इंक्लूड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी उनकी क्या क्या होंगी और सब कैटेगरीज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर PWD वो भी हमें चेक कर सकते हैं कि कितनी पोस्ट यहाँ पे रिजर्व हैं PWD कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन होते हैं गवर्नमेंट के, तो उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट रिजर्व करी गई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो और कैंडिडेट हैं, जैसे सेलेक्टेड प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट मैंशन एट आई विल बी एज फॉलोज। मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। पोस्ट कोड 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी मैनेजमेंट ट्रेनी, जनरल एंड टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, अकाउंटेंट, तो उनके लिए जो पोस्ट टेस्ट, उनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है ऑनलाइन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। यानी जो पहले टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उसके बेसिस पर कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। और जो अदर पोस्ट हैं जैसे कि जूनियर सुपरिंटेंडेंट, हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उनके लिए सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनके लिए इसमें इंटरव्यू नहीं रखा गया है। एनी एलिजिबल कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर एडवर्टाइज पोस्ट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू बी कंडक्टेड फॉर ईच पोस्ट मैंशन एट 1 to 9 at a कैंडिडेट हु अपेयर एंड आर शॉर्टलिस्टेड इन द एग्जामिनेशन विल सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट कोड 1 to 6 टू बी कंडक्टेड बाय CWC। मतलब दोस्तों, जो कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको ऑनलाइन सारा प्रोसीजर होगा और उसको टेस्ट देने के बाद जो भी पोस्ट कोड है उसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। CWC मेक अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इन्फॉर्म द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अबाउट द इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। प्रोस्पेक्ट कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई टू CWC आफ्टर केयरफुली रीडिंग द एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब दोस्तों, सब कुछ आपको पढ़ लेना है इसमें, जो भी ये सारा इसका प्रोसीजर है उसको पढ़ने के बाद ही आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो जो टेंटेटिव शेड्यूल रखा गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, वो है 15 फरवरी से 16 मार्च तक। आप फीस भी इसमें 16 मार्च तक पे कर सकते हैं।
जो कॉल लेटर होता है एग्जामिनेशन का, वो एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आपको वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए उसका लिंक अवेलेबल होगा। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो अप्रैल या मई में कंडक्ट किया जाएगा, और इंटरव्यू का कॉल लेटर वो आपको बाद में बताया जाएगा, और बाकी जो रिज़ल्ट वगैरह है वो भी आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू वेबसाइट। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद द वेबसाइट फॉर डिटेल, यानी वेबसाइट पर आपको रेगुलरली चेक करते रहना है फर्दर डिटेल के लिए। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जैसे नेशनल सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और जो कैटेगरीज हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हैं वो भी यहाँ पर गिवन है, और जो एक्सपीरियंस अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी यहाँ पर गिवन होगा, यानी कुछ पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायरमेंट है वो भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अगर बात करें जनरल, तो उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे गिवन है डिग्री विद फर्स्ट क्लास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स और इंडस्ट्रियल रिलेशन और मार्केटिंग मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी MBA आपके पास होनी चाहिए, और जो उसकी स्पेशलाइजेशन है जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, उसमें आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगर टेक्निकल पोस्ट की बात करें हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल, तो इसमें फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर विद एंटोमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, और फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी, यानी बायोकेमिस्ट्री या जूलॉजी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री इसमें होनी कंपलसरी है अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। ठीक दोस्तों इसी तरीके से असिस्टेंट इंजीनियर की अगर बात करें, तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, और अगर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास इसमें डिग्री होनी चाहिए। और दोस्तों अकाउंटेंट की अगर बात करें, तो इसमें आपके पास BCom की डिग्री या BA की डिग्री इसमें होना कंपलसरी है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री भी अगर आपके पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों जो और भी पोस्ट हैं जैसे हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, तो इनकी भी आप यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चेक कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑल द पोस्ट विल बी एन एडिड एडवांटेज, यानी अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा उन कैंडिडेट से जिनके पास नॉलेज नहीं होगी। ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड द कैंडिडेट मस्ट बी अ पोसेस ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल और द पोस्ट ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है ना उस डेट तक आपके पास इनकी मार्कशीट होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी मार्कशीट पेंडिंग है, रिजल्ट पेंडिंग है एप्लीकेशन की लास्ट डेट के बाद, तो आपको इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी इसमें कंप्लीट नहीं मानी जाएंगी। द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन शॉल बी असटेन फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनल मार्कशीट एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट, कैंडिडेट अपेयरिंग इन फाइनल ईयर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब जो फाइनल ईयर में है वो अप्लाई नहीं कर सकते। वेयर CGPA OGPA इज अवेटेड द सेम शुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट क्लास डिवीजन एंड इंडिकेट द सेम इन ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ ग्रेड इनटू इक्विवेलेंट क्लास और डिवीजन, यानी जो अगर आपके CGPA में मार्क्स हैं तो उसको आपको परसेंटेज में या डिवीजन में कन्वर्ट करके ऑनलाइन फॉर्म में लिखने होंगे। क्वालिफिकेशन एज मैंशन इन द एडवर्टाइजमेंट शॉल ओनली बी एक्सेप्टेड फॉर दिस रिक्रूटमेंट, नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन क्लास वेर एवर एप्लीकेबल शॉल बी क्लियरली इंडिकेटेड ऑन द मार्क शीट, मतलब दोस्तों जो मार्कशीट होगी आपके ऊपर उसमें आपकी क्वालिफिकेशन आपका नेम सब कुछ मैंशन होना चाहिए। नो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन लाइक PG डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन लाइक PGD MBA PGDM एटसेट्रा शॉल बी कंसिडर्ड, मतलब दोस्तों जो इक्विवेलेंट डिग्री होती हैं जैसे MBA के इक्विवेलेंट डिप्लोमा की डिग्री होती हैं तो वो इसमें आपकी कंसिडर नहीं की जाएंगी, जो डिग्री ऊपर लिखी हुई हैं एग्जैक्ट वही डिग्री आपके पास होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों इसी तरीके से और आप बात करें रिलैक्सेशन इन एज लिमिट, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो उसमें ऊपर जो आप PDF खोलेंगे तो उसमें एज लिमिट गिवन है। इसके अलावा अगर एज लिमिट में रिलैक्सेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग होना चाहिए तभी आपको इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे पोस्ट वाइज जो स्ट्रक्चर है वो गिवन है, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी, जनरल टेक्निकल और असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल इलेक्ट्रिकल और अकाउंटेंट, यानी इन पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेम ऑफ द टेस्ट नॉट बाय सीक्वेंस,
रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज। तो इन सब के क्वेश्चंस होंगे आपके, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे गिवन है और मीडियम गिवन है कि किस मीडियम में आपका वो जो सेक्शन से वो होगा, बाकी टाइम अलॉटेड फॉर पर्टिकुलर सेक्शन वो भी यहाँ पे गिवन है। टोटल 3 घंटे का ये टेस्ट होगा। इसी तरीके से जो और भी क्वेश्चन जैसे सुपर इंटेंडेंट जनरल हो गया, जूनियर सुपर इंटेंडेंट हो गया, तो उसकी भी यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जाम का स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, वो गिवन है, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट शॉल बी प्रोवाइडेड विद अ कीबोर्ड सपोर्टेड बाय फॉर हिंदी टाइपिंग फॉर डिस्क्रिप्शन टेस्ट, यानी जो टाइपिंग की पोस्ट है उसके लिए, हिंदी टाइपिंग के लिए आपको कीबोर्ड दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मटेरियल मिलेगा। सिलेबस फॉर प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट वेन एवर एप्लीकेबल विद वेटेज आउट ऑफ 65 क्वेश्चन फॉर प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट, दिस इज ओनली अ बोर्ड इंस्टीट्यूट सिलेबस एंड इट मे स्लाइटली चेंज इन द एग्जामिनेशन। जो उसका जो टेस्ट है सिलेबस उसका यहाँ पे गिवन है, जो प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट है उसका जो सिलेबस वहाँ पे गिवन है, जैसे सिलेबस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सिलेबस भी यहाँ पे गिवन है, सिलेबस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल, बेसिक एग्रीकल्चरल, बायोटेक्नोलॉजी, एटमोलॉजी, केमिस्ट्री और सिलेबस फॉर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं उनका सिलेबस भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या उसका सिलेबस है, यहाँ पे आपको सिलेबस पूरे डिटेल्स में मिल जाएगा। प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपेयर फॉर ऑनलाइन एग्जाम विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यानी जो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर होगा आपका वहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो भी यहाँ पे गिवन है, जैसे वैलिड कॉल लेटर जो कि आप ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे वो आपको लेके जाना है, और एक आईडी प्रूफ जो कि आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड होता है वो भी आपको यहाँ पे लेके जाना है। इसके अलावा फोटोकॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, उसकी फोटोकॉपी भी आपको यहाँ पे ले जानी है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन द कॉल लेटर विल नॉट बी परमिटेड टू टेक द एग्जामिनेशन, मतलब दोस्तों जो कॉल लेटर होगा उसमें आपका रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ होगा कि किस टाइम पे आपको जाना है, तो उसी टाइम पे आपको वहाँ पे एंट्री करनी होगी, और जो रॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका एग्जाम में उसके आपके नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, यानी एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.25 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यू अक्रॉस सेंटर्स इन इंडिया, द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इज अवेलेबल इन एनेक्सर 1, यानी किन किन स्टेट्स में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसकी लिस्ट भी यहाँ पे गिवन होगी, और कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। एक बार आपने अगर ऑनलाइन में अपना प्रेफरेंस सेट कर दिया तो उसके बाद आप इसमें चेंज नहीं कर सकते एग्जाम सेंटर में। कट ऑफ स्कोर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट लिखी हुई है और नंबर ऑफ रेशियो इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर इंटरव्यू, मतलब दोस्तों कितने कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे रेशियो गिवन है 1:5, मतलब दोस्तों जैसे कि अगर एक वैकेंसी है तो 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक उसी तरीके से 10 वैकेंसी हैं तो 50, इसी तरीके से तो और पोस्ट जैसे सीनियर सुपरिंटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर तो उसकी रेशियो 1:3, यानी एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट और 10 पोस्ट के लिए 30 कैंडिडेट को इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपटेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो अ मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसिडर्ड टू बी शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब दोस्तों जो जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आई उसी के बेसिस पर जो इसमें कट ऑफ है वो डिसाइड की जाएगी। मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग इन 2-tier एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम, ठीक है जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे उसी के बेसिस पर आपको जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू के लिए। प्रोसेस फॉर अराइविंग एट स्कोर, द स्कोर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग प्रोसीजर, नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली बाय कैंडिडेट इन ईच ऑब्जेक्ट टेस्ट टू कंसिडर फॉर अराइविंग एट द करेक्ट स्कोर आफ्टर अप्लाइंग पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, द करेक्ट स्कोर सो ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट आर मेड इक्वल टू टेक केयर ऑफ माइनर डिफरेंस इन डिफिकल्टी लेवल इन ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट टेस्ट हेल्ड इन डिफरेंट सेशन टू अराइव। दोस्तों जो प्रोसीजर होता है आंसर शीट चेक करने का, मतलब जो पहले सही क्वेश्चन होंगे उनको चेक किया जाएगा, फिर जो गलत क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको जो मार्क्स है वो कट किए जाएंगे जो पेनल्टी है उसके अकॉर्डिंग। इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी कंडक्टेड इन दिल्ली, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा, तो वो भी आप वेबसाइट पर बता दिया जाएगा आपके लिए आपको कि क्या उसका सारा प्रोसीजर है। इसके अलावा दोस्तों जो डॉक्यूमेंट आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं जो इंटरव्यू में आपको लेके जाने हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे पहले ऑनलाइन टेस्ट के बाद कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लेके जाना है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इंटरव्यू के बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको मिलता है तो वो भी आप पहले यहाँ पे चेक कर लेंगे, उसकी भी डिटेल यहाँ पे गिवन है।
इसके अलावा दोस्तों बायोमेट्रिक डाटा जो एग्ज़ाम सेंटर में जो सारा प्रोसीजर होता है आपका, आपके जो सारा चेक किया जाता है वो यहाँ पे क्यों है। और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 15 फरवरी टू 16 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और कोई ऑफलाइन मोड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको इसमें अप्लाई करना है। और अप्लाई करने से पहले जो आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जैसे फोटोग्राफ हो गया वो आप पे आपके अवेलेबल होने चाहिए, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है आपके, आपको रनिंग हैंड से जो सिग्नेचर होते हैं वही आपको यहाँ पे करने होंगे और उसको अपलोड करना होगा ऑनलाइन फॉर्म में। कीप द नेसेसरी डिटेल डॉक्यूमेंट रेडी टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, यानी जो डेबिट कार्ड वगैरह होते हैं वो आपको रेडी रखने हैं अप्लाई करने से पहले। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की अगर बात करें जो कि यूआर और ओबीसी कैंडिडेट यानी अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 700 रुपये इसमें फ़ीस है, इंटीमेशन चार्जेस 300 रुपये हैं, ताकि टोटल इसमें 1000 रुपये हो जाएंगे। इसके अलावा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें और वुमेन कैंडिडेट की तो उनके लिए कोई फ़ीस इसमें नहीं लग रही, लेकिन इंटीमेशन चार्जेस 300 रुपये लगेंगे तो 300 रुपये उनको देने पड़ेंगे। वुमेन कैंडिडेट अगर अनरिजर्व या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी इसमें कोई फ़ीस नहीं है। बाकी प्रोसीजर आप देख सकते हैं, सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है, जैसे ही प्रोसीजर स्टार्ट होगा मैं आपको उसमें एक और वीडियो बना के दिखा दूंगा। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई क्वारीज हो आपकी पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।